तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश सरकार रूफ टॉप सोलर स्कीम का करेंगी शुरुआत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी, तो 10 किलोवाट तक के प्लांट पर 20 से 40% तक सब्सिडी मिलेगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया जाएगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस का शुभारंभ करेंगे, तो योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी। तो प्रदेश सरकार रूप टॉप सोलर स्कीम का शुरुआत जो है वो करने जा रही है, जिसके तहत सब्सिडी लोगों को मिलेगी। 10 किलोवाट तक प्लांट पर 20 से 40% तक सब्सिडी। संवाददाता पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, प्रदेश सरकार रूफटॉप सोलर स्कीम की शुरुआत करने जा रही है, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रदेश भर में जो ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। और सोलर अगर लोगों के घरों में, उनकी छतों में जो इसको लगाने की पूरी योजना है, और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत सब्सिडी भी अगर जो लगाने वाले हैं उनको दी जाएगी, तो ये कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है। और सरकार की जो ये सोलर रूफटॉप योजना है, इसके तहत जो जो अपने छतों पर ये लगाएंगे या फिर जहां जहां इसको इंस्टॉल करवाएंगे, उसके तहत एक तो बिजली जिनको जिनके घरों में लगेगी उसको उनको मिलेगी, इसके अलावा वो उसको बेच भी सकते हैं। ये एक वैसे पुरानी योजना है, लेकिन इसको कोशिश सरकार की ये है कि इसको एक वृहद रूप दिया जाए, जनता इसको एक्सेप्ट करे। अब बिल्कुल एक अच्छा फैसला और एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से। पंकज, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका जो है शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे ये शुभारंभ? बिल्कुल, इसका शुभारंभ होने जा रहा है, और लगभग 12 बजे के लगभग सरकार और खुद मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की कि क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं जिस तरीके से कई बार लिटिगेशन में फंस जाती हैं, उसको देखते हुए सरकार की कोशिश यही है कि परियोजनाएं को थोड़ा बिल्कुल उसको भी चला के रखे, लेकिन एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत भी उपलब्ध हो सके। तो ये सोलर जो ये रूफटॉप योजना है, इसके तहत सरकार इसको वृहद रूप में आयोजित करने जा रही है, इसको शुरू करने जा रही है। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।